अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना कल की नरमी के बाद, कल की गिरावट के बाद आज कुछ हल्की हल्की रिकवरी देखने को मिली है, रिकवरी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गोल्ड इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर आधे फीसदी की बढ़त के साथ $1922 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर भी पौने एक फीसदी की तेजी के साथ $25 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में थोड़े रिकवरी मोड पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं से बात करें अगर MCX की, तो MCX सिल्वर 67,111 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि कल की गिरावट के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच कल को इस्तांबुल में सीज फायर टॉक्स चली थी, यानी कि युद्ध को रोकने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए वार्तालाप हुई थी, जिसमें अभी तक ऐसा कोई निर्णय निकल के सामने नहीं आया है कि युद्ध रुक गया हो, ऐसी कोई खबर निकल के सामने अभी तक नहीं आई है। दूसरा, इस खबर का मार्केट सेंटी पर, मार्केट के सेंटीमेंट्स पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। मार्केट के सेंटीमेंट जो थे वो थोड़े नेगेटिव बनते नज़र आए थे, जिसकी वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में नरमी आते हुए देखी थी। जितनी भी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं सब में ही कल के कार्रवाई सत्र में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं आज देख रहे हैं कि हल्की सी रिकवरी मोड पर देखने को मिल रही हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में आज हल्की सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहीं से बात करें अगर आप कच्चे तेल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में भी हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। WTI देख रहे हैं $104 पर है पौने एक फीसदी की बढ़त के साथ। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 पर है पौने एक फीसदी की बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही बढ़त के साथ आज कारोबार करते नजर आ रहे हैं, हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। कल के कारोबारी सत्र में हमने रशिया यूक्रेन की वार्तालाप की वजह से जो मीटिंग हुई थी इस्तांबुल में, उसकी वजह से कच्चे तेल में नरमी आते हुए देखी थी। अब देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। इसको तेजी नहीं कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि हल्की सी रिकवरी मोड पर कच्चा तेल देखने को मिला है। अब कच्चे तेल में जो तेजी बनी है, हल्की सी रिकवरी बनी है, उसके कुछ कारण हैं। पहला, कजाकिस्तान में पाइपलाइन आउटेजेस हो जाना, जिसकी वजह से कजाकिस्तान की तरफ से जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो थोड़ी बाधित हुई है। दूसरा, ओपेक ने बोला है कि मई से हो सकता है कि वो अपने कच्चे तेल का उत्पादन थोड़ा बढ़ा दे, इसकी वजह से जो मार्केट है कच्चे तेल की थोड़ी डगमगाती रहेगी, वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है क्रूड के ऑयल के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब क्रूड ऑयल की कीमतें यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगी या नीचे की ओर, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी, क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि कल की नरमी के बाद आज एक हल्की रिकवरी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल यहाँ से अभी फिर से टूटेगा, फिर से फिसलेगा, या फिर यहाँ से जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं? देखिए, अभी तो कच्चा तेल सोने दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो फिसलन की तरफ है, और अभी भी बाजार जो है वो करेक्शन के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव जो है वो आज बना रह सकता है और नीचे में $100 के आसपास एक बार सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है जी। इसे रूपा जी, गोल्ड सिल्वर में क्या लगता है आपको, क्या गोल्ड सिल्वर में निचले स्तर का थोड़ा और वेट करें फिर खरीदारी करें, या फिर जो लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं इन पर भी खरीदारी बनाई जा सकती है? देखिए, सोने और चांदी में अभी क्या होगा, सोने और चांदी के अंदर अभी फिलहाल जो है ऊपरी स्तरों पर प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है, और अभी फिलहाल जो है बाजार एक धीमे दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। और सोना और चांदी नीचे में एक बार, सोना मुझे लगता है कि $1880 तक एक बार नीचे फिसल सकता है, वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो $52,000 तक एक बार ऊपर जा सकता है जी। ये सर रूपा जी, बेस मेटल्स में आज बाजार कैसा रह सकता है, क्या बेस मेटल्स के लिए आज बाजार पॉजिटिव रहेगा या फिर ऐसी रेंज में रहेगा बाजार? ठीक है, जहाँ तक बेस मेटल की बात है तो बेस मेटल के अंदर अभी मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा मार्केट, और ऊपर में कॉपर जो है वो 840 तक एक बार अपसाइड में जा सकता है, और कॉपर के साथ साथ जिंक अच्छा काफी लग रहा है, यहाँ से जिंक में भी 340 तक एक अपसाइड मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स की नहीं देने चाहेंगी,
देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट जो है बेस मेटल का पॉजिटिव रह सकता है, तो बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है, और वहीं सोना और चांदी भी आज हल्की सी तेजी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। जी